अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो चैप्टर नंबर 8 द करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है हम उसको कर लेते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट। इसका आंसर है पेज नंबर 11 पे। इस पर आपने क्या करना है कि आपने ये जो ब्राउन सा बॉक्स है इसकी ये डेफिनेशन करनी है और जो हाईलाइट किया हुआ है ये करना है, यानी कि इसमें इसकी इक्वेशन भी आती है और साथ साथ इसका क्या आता है यूनिट भी आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास पेज नंबर 13 पे है। टॉपिक का बिल्कुल लास्ट जो है ये जो पूरा आप ये जो आपके पास बॉक्स है ये वाला जिसमें आपके पास इसके जो है वो यूनिट आएंगे और ये पूरा पैराग्राफ जो है इस शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 जो है वो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है विच क्वान्टिटीज डज ओहम्स लॉ रिलेटेड। जब लेक्चर मैंने आपको दे रही थी उस टाइम भी मैंने आंसर बताया था। आप ऐसे भी कर सकते हैं ओहम लॉ इज़ रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। एंड एक चीज़ और इंक्रीज़ करनी है, कीप इन माइंड, ये लाजमी ऐड करनी है कि आपने कहना है कि देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। क्या कहेंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ये यहाँ से यहाँ तक और एक और पॉइंट बीच में ऐड होगा। हमारे पास फोर्थ वन क्वेश्चन है डिफाइन रेजिस्टेंस। इसका आंसर आपके पास है पेज नंबर 114 पे। टॉपिक आपके पास है रेजिस्टेंस जिसमें आपने जो है ये जो है जो हाईलाइट किया हुआ है द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। फिर इसमें इसका क्या आएगा इक्वेशन आएगी एंड देन इसके बाद आपने कहना है द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ये तो एक्सरसाइज है। अब बोर्ड के अंदर क्या होता है कि इक्वेशन शॉर्ट अराइज होता है कि डिफाइन द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है तो आप ओहम को डिफाइन करें, तो फिर ये वाला जो बॉक्स आपके पास इसके अंदर इंक्लूड होता है। अब आपने जब ये डेफिनेशन लिखनी है तो साथ जो है फिगर 8.7 भी लाजमी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज रेजिस्टेंस। इसका आंसर है पेज नंबर 115 पे। और ये वाला जो आपके पास हाईलाइट और ये जो सर्कल किया हुआ है ये आपके पास पूरा जो है ये रेजिस्टर के अंदर आपके पास इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यही शॉर्ट क्वेश्चन का कुछ पोर्शन लॉन्ग में भी आएगा, तो शॉर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्हाट इज़ मीन बाय चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसका आंसर भी पेज नंबर 115 पे ही है। टॉपिक हमारे पास होगा रेजिस्टर और जो हाईलाइट किया हुआ है ये और ऊपर हेडिंग आपके पास दी हुई है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आपने व्हेन द कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड से इस कॉल्ड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अवेयर आर द गेंग कैपेसिटर यूज्ड। इसका आंसर है आपके पास पेज नंबर 116 पे। और आपके पास टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर एंड यूजर, जिसमें एक हेडिंग थी फिक्स कैपेसिटर, अनेक्स्ट था वेरिएबल और गैंग कैपेसिटर। बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आप ये बताएं कि यूजर्स ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर भी लिखा आ सकता है या गैंग कैपेसिटर भी। तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन जो मैंने आपके पास ये हेडिंग दी हुई यूजर्स की, यूजर्स ऑफ गैंग कैपेसिटर में यहाँ से लेकर यानी कि कैपेसिटर इज ऑल्सो यूज से लेकर डैमेज द माइक्रोफोन तक आपके पास इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर डू। ठीक है, इसका आंसर होगा आपके पास इसका आंसर है पेज नंबर 117 पे। और आपके पास है ये स्टेप अप का है, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये इसका पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 इसकी नेक्स्ट लाइन में, नहीं इससे नेक्स्ट लाइन में, द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द वोल्टेज। ये इसके दो पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, यहाँ से ट्रांसफार्मर तक नेक्स्ट आपके पास आएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डू। इसका आंसर भी उसी पेज पे ही है। अब पहले ऊपर स्टेप अप था, अब नीचे है इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर लेस देन दोज ऑफ प्राइमरी इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसका बनेगा वेयर द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीजेज द वोल्टेज।
यानी कि पॉइंट दो पॉइंट्स, यानी कि स्टेप अप के और स्टेप डाउन दोनों के कितने पॉइंट्स बनने चाहिए, टू टू बनने चाहिए। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू ए मीटर। आपके पास जो ये हाईलाइट किया हुआ है ये तमाम जो है पेज नंबर 123 पे ए मीटर वाले टॉपिक में आपने शुरू करना है, इट इज़ मेड बाय से लेकर इस कॉल्ड शंट तक आपके पास इसका आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद अब हमारे पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज कन्वेंशनल करंट एक्सप्लेन। इसका आंसर है आपके पास पेज नंबर 11 पे। पहले क्वेश्चन का पार्ट था कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, आपने क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि ये वाला बॉक्स ये पुट करना है, ये क्वेश्चन डालनी है और ये यूनिट डालना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि कन्वेंशनल करंट में ये जो येलो रंग का हाईलाइट किया हुआ है ये लिखना है, और उससे पहले आपने हेडिंग डालनी है कन्वेंशनल करंट की। जब आपने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है तो आपने उसके ऊपर हेडिंग डालनी है इलेक्ट्रिक करंट की, फिर आपने ये बॉक्स लिखना है, देन आपने हेडिंग डालनी है कन्वेंशनल करंट की और जो येलो बॉक्स हाईलाइट किया हुआ है ये आपने लिखना है। देन आपने मूव कर जाना है पेज नंबर 112 पे, जिसमें आपने ये बॉक्स लिखना है एंड देन यहाँ से लेट अस कंसिडर से लेकर आपने ये लास्ट जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक लेके जाना है। गर्ल्स ये बात याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत दफ़ा आता है, यानी कि इस चैप्टर का ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें कोई ऐसे पॉइंट या ऐसी जगह नहीं आ रही जिसमें कटिंग की जा सके, क्योंकि हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से लिंक्ड है, इसी वजह से इसमें ज़्यादा कटिंग नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें है एक्सप्लेन पोटेंशियल डिफरेंस विद एग्जांपल, डिफाइन इट्स यूनिट। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास पेज नंबर 112 से। इसका आंसर असल में होगा पेज नंबर 113 पे, जहाँ पर सबसे पहले ये बॉक्स लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, फिर आपने ये पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो आपने क्या करना है ये एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ये एक्सप्लेन करना है और यहाँ तक आपने इसको पूरा लिखना है, देन सबसे लास्ट में आपने ये बॉक्स को लिखना है और आपने फिगर 8.4 जो है वो इसमें लाजमी बनानी, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन है वो इस फिगर से रिलेट करती है, तो आपने ये वाला फिगर 8.4 और वो जो हाईलाइट किया हुआ है उसको लिखना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, डिफाइन यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपके पास है पेज नंबर 114 पे, डिफाइन रेजिस्टेंस यूनिट और ये, और उन्होंने कहा डिफाइन यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तब भी आपके पास ये पूरा, यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शॉर्ट में भी है और लॉन्ग में भी है, और फिगर 8.7 भी लाजमी बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट एक्सप्लेन। ये आपके पास होगा पेज नंबर 18 पे, जिसमें आपने पहले डिफ़ाइन करना है डायरेक्ट करंट को, फिर इसके बाद लिखना है कि आपने जो है ये जो दो पॉइंट्स है इट इज़ यूनी डायरेक्शनल, और इसके बाद ये लिखना है कि इट चेंजेस ऑफ क्वालिटी इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि इसमें आपने आगे खुद कुछ वर्ड्स लगाकर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, मगर आपने इसको लिखना पॉइंट्स में, ये हो गया। फिर इसके बाद आपके पास आता है ऑल्टरनेटिंग करंट, आपने इसको डिफ़ाइन किया, फिर ये जो लाइंस मैंने खुद लिखी हैं, एक तो ये लिखा इट इज़ एब्रिवेटेड एज एसी, और ऊपर वाले का लिखो कि इट इज़ टर्म्ड एज डीसी डायरेक्ट करंट, यानी कि डी फॉर डायरेक्ट, सी फॉर करंट, अल्टरनेटिंग ए फॉर अल्टरनेटिंग, सी फॉर करंट, इट इज़ नॉट यूनिडायरेक्शनल एंड क्वालिटी चेंजेस। ये आपने इसको खुद मतलब आगे वर्ड्स लगा के इट इज़ नॉट यूनिडायरेक्शनल, इट्स क्वालिटी चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस तरह से आपने इसको लिखना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि एसी और डीसी को डिफ़ाइन तो कर दिया, अपने पॉइंट्स भी लिख दिए, अब आपने क्या करना है कि डीसी और एसी के यूजेस भी इस लॉन्ग में डालने हैं। सबसे पहले द सेल्स यूज इन टॉर्चेस वॉचेस एंड टॉयज, ये डीसी का पहला यूज़। फिर इसमें आगे है देयर आर द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, यानी कि ये पूरी लाइन यहाँ तक आपके पास इसकी डीसी की का पहला पॉइंट आता। अब डीसी करंट का सेकेंड पॉइंट है अ कार बैटरी इज प्रोवाइडेड डीसी, एक्चुअली रेडियो टेप रिकॉर्डर टेलीविजन एंड कंप्यूटर एक्सेट्रा ऑल वर्क्स विद डीसी, तो ये पॉइंट नंबर 2 है, डीसी के यूजेस कंप्लीट हो गए। देन इसके बाद आपने यूजेस ऑफ एसी पे आना है, जो हाईलाइट किया हुआ है ये यूजेस ऑफ एसी,
का पहला पॉइंट, और जो ये नीचे हाईलाइट किया हुआ एसी यूज्ड इन फॉर कैरिंग से लेकर टेलीविजन ट्रांसमिशन तक, ये क्वेश्चन पॉइंट नंबर टू आता है, एसी के यूजेस का पॉइंट नंबर टू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन है, हाउ डज स्ट्रक्चर ऑफ अ वोल्ट मीटर डिफर फ्रॉम ए मीटर, डिस्क्राइब द यूज बोथ ऑफ देम। गर्ल्स, ये मैं पहले पढ़ाते हुए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, ये जो जितना भी आपके पास आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये ए मीटर के ये वाले पॉइंट्स, ये दो डायग्राम्स और ये वाले सारे पॉइंट्स जो मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, ये गौर से इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक तो ये हो गया, अब वोल्ट मीटर के सारे जो ये पॉइंट्स आपके लिए आपके सामने बना के रखे हुए, ये तमाम इंक्लूड करने हैं। याद रखिएगा कि यूज़ वाला पॉइंट सबसे लास्ट में जाएगा, जो एम मीटर और वोल्ट मीटर का जो वन वन पॉइंट है वो एक दूसरे के सामने, या टू के सामने, थ्री के सामने लिखे ना, ताकि एटलीस्ट आपको डिफरेंस क्लियर हो सके। और लास्ट में उन्होंने इसका यूजेस पूछे तो यूजेस सबसे लास्ट में आप लिखोगे। अच्छा, एक तो ये जो क्वेश्चन नंबर टेन मैंने आपको बताया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ मल्टीमीटर, व्हाट इज़ यूज फॉर, यानी कि बताना मल्टीमीटर क्या किस लिए यूज़ करता है, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इन एनालॉगस एंड डिजिटल मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर भी पेज नंबर 124 पे है। आपने क्या करना है कि मल्टीमीटर की हेडिंग देनी है, सबसे पहले इसमें सारे ये दोनों यूजेस में ही आते हैं, आप बेशक इसकी हेडिंग मत डालें, पहले पूरा पैराग्राफ ये लिखें, एवीओ की हेडिंग लाजमी डालें और देन आप यहाँ तक लेके जाएं। फॉर यूज़ द वोल्ट मीटर इज़ प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटी टू मेजर बोथ एसी एंड डीसी वोल्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन ये पूरा लिखना है कि एक किस्म का पूरा यूज़ ही इसके अंदर इस पूरे पैराग्राफ में मल्टीमीटर का हो चुका है। अब जो एनालॉगस मीटर का और डिजिटल मीटर का जो डिफरेंस पूछा है इन्होंने, तो आपने क्या करना है, पेज नंबर 126 पे जो ग्लॉसरी है आपके पास, उसके अंदर से एनालॉग एंड जो एनालॉगस मीटर एंड डिजिटल मीटर की जो दो हाइलाइटेड पॉइंट्स है ये, और जो सेकंड डिजिटल मीटर के आगे जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है वो आपने इसके अंदर इंक्लूड करना है, और दैट्स इट, इसका आपका लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इसके साथ आपकी चैप्टर की एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई हुई है। अब अगर आपको कोई इसमें इशू हैं तो आप जो हैं ग्रुप के अंदर मैसेज करके पूछ सकती हैं।